सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो थोड़ी सी मतलब तुम्हारी हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है। तुम ना पहले इसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है शिवम, ठीक है, और मैं शिवरविंदो कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ी सर्दी भी हो रखी है तो ना थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है। अब देखो, मैं ना बात करूँगा प्लेसमेंट की। सबसे पहले प्लेसमेंट की बात करूँगा भाई, प्लेसमेंट कि भाई प्लेसमेंट का क्या सीन है, भाई प्लेसमेंट का क्या सीन है, और क्या मेरी प्लेसमेंट लगेगी, क्या ऑनर्स वालों की प्लेसमेंट लगती है, ठीक है। क्या तुम बाहर से जो आ रहे हैं भाई, तुम प्लेसमेंट की उम्मीद रख सकते हो क्या, मतलब प्लेसमेंट समझो। आप जिसको नहीं पता ना, मैं बेसिक से समझाता हूँ प्लेसमेंट का क्या सीन होता है, ठीक है। तुम कॉलेज कर रहे हो, ठीक है। अगर तुमने थ्री डेट देखे ना तो थ्री डेट में वो सीन आता है जब वो कहता है भाई तुम, मैं प्लेसमेंट के लिए बैठूंगा, ठीक है। और वो जाता है लंगड़ा और जाके बैठता है, कहता भाई मेरे को तो यही आता है, तो वही होता है प्लेसमेंट, ठीक है। जो ना उसका टाइम वाइज छीन लेता है ना, वही, और लंच नहीं बैठता है, ठीक है, तो वही प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट में बेसिकली क्या होता है कि आपने कंपनी जो होती है आपको हायर करती है थ्रू कॉलेज, ठीक है। आपका कॉलेज ख़त्म होते ही आपको हायर किया जाता है, इंटर्नशिप कह सकते हो कि एक तरह से भाई इंटर्न है, ठीक है। एक तरह से आपको सैलरी पैकेज दिया जाता है आपके स्किल के बेसिस पे, वो कहते हैं। अब बहुत सारे बंदे कह रहे होंगे भाई क्या हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से जैसे कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमको मतलब देंगे प्लेसमेंट देंगे क्या? तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, प्लेसमेंट सिर्फ और बीकॉम वालों को मिलती है, ठीक है। ऐसा सब कह रहे हैं कि बीकॉम वालों को ही प्लेसमेंट मिलेगी, बीकॉम वालों के अलावा किसी को नहीं देंगे। तो भाई मैं तुम्हें बताऊँ, प्लेसमेंट स्किल्स बेस पे मिलता है, और कॉलेज में प्लेसमेंट सेल है, जो प्लेसमेंट सेल है वो तुमको प्लेसमेंट सिर्फ कोर्स के वाइज देती है कॉलेज में, ड्यू में, ठीक है। अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो प्लेसमेंट सिर्फ बीकॉम वालों को मिलती है। बीकॉम वालों क्यों? क्योंकि भाई वो उनको मतलब एक तरह से उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई की होती है, ठीक है, उन्होंने बिजनेस की पढ़ाई की होती है, तो कंपनी क्या ढूंढती है, वही तो ढूंढती है। अब तुम इंग्लिश ऑनर्स किया है तो तुम्हें कंपनी ये थोड़ा बोलेगी तुम आओ नोबल पढ़ाओ हमारे बच्चों को, कंपनी ये थोड़ा बोलेगी कि आओ बच्चों को नोबल पढ़ाओ तुम, नहीं ना। तो वही होगा, ठीक है। तो बेसिकली या हिंदी ऑनर्स वाले या कोई भी डिपार्टमेंट के, भाई तुमको नहीं मिलेगी प्लेसमेंट। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि भाई तुम्हारा कोर्स सही नहीं है। तो कोर्स भी एक मायने रखता है, जिसको प्लेसमेंट चाहिए किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी वो चीज़ जानना पहले बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब तुम डरो मत कि भाई हमें प्लेसमेंट नहीं मिलेगी तो हमारा कुछ नहीं होगा। भाई हो सकता है, अगर तुम चाहो ना तो कर सकते हो। देखो तुम्हारी बेसिकली क्या होती है, मास्टरी होनी चाहिए तुम्हारे किसी कोर्स में, किसी भी चीज़ में मास्टरी होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ, अगर मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ तो फिर भाई फिर मैं तो करना है ना ग्रेजुएशन के बाद कुछ, तो ग्रेजुएशन के बाद क्या, ग्रेजुएशन बेसिकली करते क्यों है लोग, मैं तुम्हें बताऊँ, ग्रेजुएशन करते क्यों, छोड़ो ग्रेजुएशन बता दो, सीधा तुम्हें समझ में आ जाएगा। ग्रेजुएशन सिर्फ होता है भाई, तुम्हें ना बेसिकली क्वालिफिकेशन मांगता है। अगर आप ट्वेल्थ कर लेते हो तो बहुत सारी चीज़ों में क्वालिफिकेशन मांगता है कि तुम्हें ग्रेजुएशन कम से कम होनी चाहिए तुम्हारी जॉब लाइन में, ठीक है। तो इसलिए ग्रेजुएशन होती है। अगर तुम नहीं जानते तो भाई ग्रेजुएशन इसलिए तो होती है ना कि तुम एक चीज़ में मतलब क्वालिफाइड कर गए हो कि तुमने 3 साल ग्रेजुएशन किया। अब मैं तुम्हें बताऊँ, कुछ बंदे होंगे सोल से कर रहे होंगे, भाई सोल से भी कर लेते तो वही बात होती फिर तो, नहीं भाई। अब तुम इंटरव्यू में बैठोगे जिस दिन, तो बंदे तुम्हें देखेंगे, तुम्हें बोलेंगे कि भाई तुम रेगुलर कॉलेज जाते थे। रेगुलर का मतलब समझ लो, रेगुलर का मतलब है तुम रेगुलर का जाते थे तो तुम्हारे पास नॉलेज होगी रेगुलर वाली, तुम्हारे पास बात करने की स्किल होगी, तुम्हारे पास लोगों को जानने का तरीका होगा, समझ रहे हो। तो रेगुलर और सोल में यही हो जाता है कि भाई इंटरव्यू वाले ना थोड़ा सा देखते हैं बच्चा कहाँ से पढ़ा है। अब मान लो जिस कॉलेज से तुम पढ़े हो उसी कॉलेज का बंदा इंटरव्यू ले रहा हो, तो एक तरह से फर्क तो पड़ेगा ना कि भाई ये मेरे कॉलेज से निकल के बंदा इंटरव्यू दे रहा है, तो वही वाली बात होती है, ठीक है। और प्लेसमेंट की बात जहाँ तक करूँ, प्लेसमेंट लेना आसान होता है क्या? ऑल अबाउट बता रहा हूँ, प्लेसमेंट लेना आसान होता है क्या? नहीं भाई, प्लेसमेंट लेना आसान नहीं होता। तुमको पहले अपने CGPA को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। CGPA मेंटेन करके रखो तुम, और अपना सब कुछ देख के रखो कि भाई कहीं हमें पता चला कि हम तो हवा हवाई हो रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। तो प्लेसमेंट को देख के रखो और सब कुछ अच्छे से CGPA मेंटेन करके रखो अपनी, तो प्लेसमेंट लगना आसान हो जाता है। अगर तुम CGPA मेंटेन करके रखोगे तो प्लेसमेंट लगना आसान हो जाएगा, तो तुम ये चीज़ देख लो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में खासकर प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा भी नहीं लगती भाई, कितने तक लगती है ना बंदे बोलेंगे, भाई कितने तक लगती है प्लेसमेंट? भाई नहीं लगती भाई प्लेसमेंट, ठीक है। प्लेसमेंट अगर लगेगी भी ना तो भाई कितनी लग जाएगी तुम्हारी, 30-40 बस इतनी लगेगी, ठीक है। और एनुअली बोलो तो 1.5-2 लाख बस इतनी लगेगी, उससे ज़्यादा नहीं लगेगी। तो मेरा ये कहना है कि भाई जैसा भी है तुम देख लो एक बार, और फिर उसके हिसाब से बैठना प्लेसमेंट में,
अब मैं तो बोलूँगा बिना प्लेसमेंट के लिए सही रहता है, ठीक है, बिना प्लेसमेंट के सब कुछ सही रहेगा, ज़्यादा बकबक करने आसान नहीं है, प्लेसमेंट बिना प्लेसमेंट के बैठो और ऐसे ट्राई करो, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और कुछ और भी क्वेश्चन हो तो तुम कमेंट करना, ठीक है, मैं तुम्हारा सब जवाब तो देने के लिए बैठा है तुम्हारा भाई, और मस्त सीन ला देंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। बच्चे बंक कर रहे हैं, हम मौज कर रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, अब तुम सोचोगे। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ बैठा हूँ और तू अरविंदो वॉल के बच्चे हो, ठीक है, तो भाई अगली वीडियो आएगी तुम सब वो कर लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा कहाँ बैठा हूँ मैं, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर, है ना, हम तो बैठे हैं भाई इधर ही। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय।